बड़ी खबर आ रही है जहां पर 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं कैंसिल करने पर विचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो रद्द करने का विचार चल रहा है। इस बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। 1 से 15 जुलाई के बीच ही परीक्षाएं होनी थी, जो बचे हुए पेपर थे बोर्ड के वो होने वाले थे, लेकिन अब इस विचार को लाया जा रहा है कि ये बोर्ड की परीक्षाएं ना हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लेने पर विचार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं वो कैंसिल हो सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। 1 से 15 जुलाई के बीच होनी है परीक्षाएं और बचे हुए पेपर इन तारीखों में होंगे, लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है कि पेपर जो है उन्हें कैंसिल करा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। बारहवीं की सीबीएसई परीक्षाएं जो हैं वो कैंसिल करने पर विचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते बोर्ड ने ये निर्णय लेने पर विचार कर रही है कि ये निर्णय लिया जाना चाहिए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए। बचे हुए पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच में होने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। जी हां, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने पर विचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते बोर्ड ने यह विचार किया है कि शायद अब 1 से 15 जुलाई के बीच बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं हैं वो संभव नहीं है। इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता निधि जुड़ चुकी हैं। निधि, क्या तैयारियां हैं बोर्ड की और क्या पूरा मामला है? जी अनन्या, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी ने एक भयावह रूप लिया है और उससे लेकर के जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, क्योंकि उनकी परीक्षाएं जो थी उनका नतीजा आना बाकी था, लेकिन कुछ परीक्षाएं उनकी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से वो परीक्षाएं जो है वो लगातार स्थगित की जा रही थी, आगे बढ़ाई जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक उन परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता था, आगे नहीं बढ़ा सकता जा सकता था, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया। और अब जो है उसके बाद 10वीं और 12वीं की सीजी बोर्ड पर भी मंथन किया गया, और इसके साथ अब हम सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई के विद्यार्थियों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कई परीक्षाएं जो थी वो पेंडिंग थी, तो अब इस पर भी लगातार जो है सीबीएसई बोर्ड विचार कर रही है, क्योंकि कोरोना काल है और जिस तरह से इस महामारी ने एक भयावह रूप ले लिया है उसे ध्यान में रखते हुए अब इस पर सीबीएसई बोर्ड भी विचार कर सकती है कि जो परीक्षाएं पेंडिंग बची है उन्हें स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक परीक्षाओं को टालना और उन्हें आगे बढ़ाना विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और इसके साथ ही इस भयावह स्थिति में उनका परीक्षाएं देना ये भी काफी एक गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में भयावह रूप इस बीमारी ने लिया है, इस तरह से विद्यार्थियों को जिस तरह से नुकसान होगा वो काफी सोचने वाला विषय है, काफी सोचने वाली बात है। तो जो 1 से लेकर 15 जुलाई तक इन विद्यार्थियों की पेंडिंग परीक्षाएं होनी थी, उन पेंडिंग परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब सीबीएसई बोर्ड कहीं ना कहीं विचार कर सकती है, मंथन कर सकती है। सूत्रों के हवाले ये खबर भी है कि अब जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है और इन्हें जनरल प्रमोशन दिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। आपको यह भी बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ परीक्षाएं अभी भी
पेंडिंग है जिसके लिए अब सीबीएसई बोर्ड मंथन कर सकती है, विचार कर सकती है। सूत्रों के हवाले यह खबर है कि लगातार जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कई तरह से अपनी जो है परेशानी व्यक्त की है, परेशानी जताई है कि सीबीएसई बोर्ड की जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं वो अगर देंगे विद्यार्थी जाते नहीं उन्हें काफी नुकसान है। हाईकोर्ट में भी इसके लिए याचिका लगाई गई है कि बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा तरह का निर्णय ले। तो हाल ही में अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना जो केसेस है वो एक भयावह रूप लेते जा रहे हैं, महामारी बढ़ती ही चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ये जो आंकड़ा है संक्रमित लोगों का 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड इस पर मंथन कर सकती है कि छत्तीसगढ़ के भी विद्यार्थी और जो भी 12वीं के विद्यार्थी है सीबीएसई बोर्ड के उनकी परीक्षाओं को स्थगित किया जा सके। जी जी अनन्या। निधि कितने विषयों की परीक्षाएं जो है वो बची हुई है अब तक? लगभग अगर एक आंकड़ा बताया जाए तो 1 से 2 विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो अब तक पेंडिंग थी बच्चों की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में ये कोरोना महामारी ने ये भयावह रूप ले लिया है उसे देखते हुए अब ये कहीं भी संभावित नहीं है या पॉसिबल नहीं है कि वापस से इनकी परीक्षाएं ली जा सके। क्योंकि अगर बच्चे या विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं तो वहां एक भीड़ की स्थिति कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि कितनी दूर और कितने डिस्टेंस में उन्हें बिठाया जाएगा इस पर भी चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ की स्थिति है कोरोना से बचने के लिए भीड़ की स्थिति से सार्वजनिक कहीं एकजुट नहीं होना है इस पर गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। इसे इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए और क्योंकि वे बच्चे हैं और इस तरह से उनके परीक्षाओं को वापस लेना उनके भविष्य के साथ उनके जीवन के साथ एक तरह से खिलवाड़ होगा। तो इसके इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए जो सीबीएसई बोर्ड है वो अब विचार कर सकती है कि बच्चों की परीक्षाएं स्थगित की जाए और कहीं ना कहीं इस पर भी विचार किया जा सकता है कि अगर परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी तो उन्हें जनरल प्रमोशन दिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कोरोना की वजह से 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया था क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं और ये कोरोना जो महामारी है उन पर काफी हावी हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब जो सीबीएसई बोर्ड है वो सूत्रों के हवाले खबर है कि अब 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो पेंडिंग बची है उसे भी स्थगित करने का निर्णय ले सकती है, उस पर विचार कर सकती है, मंथन कर सकती है। जी अनन्या बिल्कुल धन्यवाद निधि तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बड़ी